मंत्र के नाम से प्रस्तावित स्तर पर लगे बोर्ड को असामाजिक तत्व ने काटा। एसपी से कार्रवाई की मांग औरंगाबाद। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामविलास सिंह यादव के नाम पर प्रस्तावित जिला मुख्यालय के दानी बीघा स्थित नव निर्माणाधीन बस स्टैंड का नामकरण किया गया था। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से 8 जनवरी 2023 को जिला परिषद के सामान्य बैठक में बहुमत से पारित हुआ। इसके बाद उक्त जगह पर एक सांकेतिक बोर्ड लगाया गया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस बोर्ड को गत रात्रि के अंधेर में कटर से काट दिया गया। इससे लोगों में खास नाराजगी है, जिसको लेकर लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए राजद जिला प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव, जिला पार्षद शंकर यादव, शशि भूषण शर्मा, अनिल यादव, जिला पार्षद अध्यक्ष प्रतिनिधि शैलेश यादव, संजय यादव समेत कई अन्य ने कहा कि यह कार्य गृहनीति मानसिकता को दर्शाता है। आज जहां हम अपने पूर्वजों, समाज सेवियों, मंत्रियों, समाज व देश में विशेष योगदान देने वाले महापुरुषों की आदमकद प्रतिमा स्थापित कर यथोचित उन्हें सम्मान देने का कोशिश करते हैं, वही इस तरह की घटना औचित मानसिकता की परिचायक है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों उन्माद और जिले में अशांति पैदा करने की मंशा रखते हैं। इसके कारण लक्षित करके जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है, यह निंदनीय है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। घटना को लेकर राजद का एक टीम पुलिस अधीक्षक से शुक्रवार को मुलाकात की और यथाशीघ्र मामले में अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा कि यदि मामले में चिंतित करते हुए अविलंब कार्रवाई की गई तो हम सभी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पिछड़ों के सुरमा कहे जाते हैं रामविलास सिंह। उन्होंने कहा कि जिले में पिछड़ों को सुरमा कहे जाने वाले रामविलास सिंह यादव 7 विभागों के मंत्री रहे, लेकिन कभी उनके दामन पर दाग नहीं लगा। इनके जाति तोड़ो और समाज जोड़ो के सिद्धांत पर आज चलने की आवश्यकता है। वे जात पात पर विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने सामाजिक सद्भावना के आधार पर समाज का उत्थान किया। उनका मानना था कि जब समाज बढ़ेगा तभी प्रदेश भी विकास की ओर आगे बढ़ेगा। हम सभी को उनके आदर्शों को अनुसरण करने की जरूरत है। रामविलास बाबू के आदर्शों व विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। इंसान अपने कर्म के आधार पर याद किया जाता है।